सीवन में गंडकी नदी के ऊपर बना पुल का एक पिलर नदी में धस गया है, जिससे पुल का एक छोर नदी में गिर गया है। ये पुल दारौंदा प्रखंड अंतर्गत देवरिया और भीका बांध गांव के सीमा पर स्थित है। पुल के जर्जर होने को लेकर ग्रामीणों ने बीते 22 जून को विरोध प्रदर्शन भी किया था। तब प्रशासन द्वारा इसका मरम्मत कार्य भी कराया जा रहा था। बावजूद इसकी आज बुधवार की सुबह करीब 5 बजे पुल का एक पिलर नदी में धस गया। 22 जून को इसी नदी पर बने गरौली में पुल धस गया था। तब जिला प्रशासन द्वारा गंडक विभाग और पथ निर्माण विभाग द्वारा सभी पुल का सर्वे कराया जा रहा था। गरौली से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर यह पुल स्थित है। ग्रामीणों का कहना है कि बीते दिन हुई तेज बारिश के कारण पानी का स्तर बढ़ गया था। पानी की धारा भी तेज हो गई थी, जिसके कारण आज पुल धस गया है। आज सुबह में अच्छा कैसे पुल गया, क्या सूचना मिला आप लोगों को, पुल गिर गया? हम लोगों को सूचना मिला कि पुल, गांव के लोग बताए सभी लोग, पुल 5 बजे सुबह में 4:30-5 के लगभग भस गई। इस तरह गरौली भी भसा था, इस तरह यहाँ भी भस गया। तो गरौली में 22 जून को भसा था, 23 जून से तो इस मरम्मती का कार्य हुआ था, काम ठीक से नहीं हुआ था इसलिए भस गया। गंडक की दोष है, गंडक यहाँ छोटा पुल ज्यादा काट दिया गया इसलिए भस गया। मतलब मिट्टी के कटाई कारण, मिट्टी के कटाई के कारण भस गया। अच्छा पुल कब बना हुआ था ये? 2004 या 5 में बनी थी। 2011 में। अच्छा किसके सौजन्य से बना हुआ था पुल? प्रभुनाथ सिंह, पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के सौजन्य से बना था। अच्छा वरीय अधिकारी कोई पहुँचे की नहीं अभी यहाँ पे? सीओ साहब पहुँचे और कोई नहीं पहुँचे है। सीओ महाराजगंज। अच्छा वरीय अधिकारी से क्या मांग कीजिएगा, मुखिया है, मांग करना है कि जल्द से जल्द पुल नया बनाया जाए। और क्या, कई गांव का संपर्क टूटा है, करीब करीब 10-20 गांव का संपर्क टूटा है, इससे बहुत चलने वाली रोड है। इधर ग्रामीणों का आरोप है कि गंडक नदी विभाग द्वारा नहर की सफाई कराई गई थी, इस दौरान बिना मानक का ध्यान रखे नहर के किनारे से जेसीबी से मिट्टी की कटाई की गई थी, जिसके कारण पिलर के किनारे से भी मिट्टी हट गई थी। और जिस प्रकार गरौली का पुल गिरा है, उसी प्रकार ये पुल भी गिर गया है। कब सूचना मिला आप लोगों को? हम लोग को तो मतलब सुबह में सूचना मिला है, लेकिन गिरा है रात में ही, दो बजे रात में गिरा हुआ है। अच्छा कैसे पुल गिरा हुआ, मिट्टी की कटाई की या पुराना पुल, कैसे गिरा हुआ है? नहीं, मिट्टी के कटाई के वजह से गिरा है, बहुत ज्यादा काट दिया गया है यहाँ पुल के पास में, उसी की वजह से गिर गया है। और हम लोग के दुकान पे वही आने जाने का रास्ता, हम लोग का पूरा बंद हो गया आने जाने का। इस पुल के गिर जाने से लगभग 1 दर्जन से अधिक गाँव के लोगों का महाराजगंज मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। लोगों का कहना है कि शिकायत के बावजूद भी प्रशासन ने इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। सिवान से अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।